बोले दादी सती मैया की, हा हा भई राम नाम मन दीप धर, जी है देह द्वार। भई शक्ति नाम जी है दीप धर, जी है देह द्वार। तुलसी भीतर बाहिर हुआ, जो चाहे सी उजियार। बोल दादी सती मैया की, ओ दादी सती प्यारी, ओ दादी सती प्यारी, हमारे कष्ट मिटा जा, आ जाए बेड़ा पार लगा जा। ओ दादी सती प्यारी ओ प्यारी, ओ दादी सती प्यारी, हमारे कष्ट मिटा जा, आ जाए बेड़ा पार लगा जा। ओ मझदार में नैया मेरी, दादी जी करो मत देरी, मझदार में नैया मेरी। बिगड़ी की बनाने वाली आशा है केवल तेरी, बिगड़ी के बनाने वाली आशा है केवल तेरी। छाया है घोर अंधेरा, मैया को भंवर ने घेरा। छाया है घोर अंधेरा, भंवर ने घेरा। उधारा है तेज गति से, जगमगा रहा मन मेरा। लगता है दूर किनारा, लगता है दूर किनारा। सारा आपका दादी राजा मेरा पार लगा जा। दादी सती प्यारी, हमारे कष्ट मिटा जा, आ जाय बेड़ा पार लगा जा। रमाड़ा फूलन की राम जाने किसके गले पड़ेगी। रमाड़ा फूलन की राम जाने किसके गले पड़ेगी। ओरे किसके गले पड़ेगी, ओ किसके गले पड़ेगी। रमाड़ा फूलन की राम जाने किसके गले पड़ेगी। रमाड़ा फूलन की राम जाने किसके गले पड़ेगी। अच्छा ये बताओ, यहाँ कौन कौन बैठा है? हाथ उठाना जरा, यहाँ कौन कौन बैठा है? ये भैया रविंदर कहाँ? 6 महीने से, साल भर से जेवड़ा ने तोड़ते रहे, प्रोग्राम करवाओ। और जब प्रोग्राम हो घर जा सो हैंगे कहाँ है? कहाँ भैया रविंदर? अच्छा मैंने जो कह दी 21 रुपए लेऊंगा तो यहाँ करके दुपक। भैया यहाँ बताओ सामने को, भाई हाथ उठाओ सारे के सारे जो यहाँ बैठे। यहाँ का मतलब जो यहीं बैठे हैं, है ना?
जिनका ध्यान घर की सिंदूक पर ना है वो हाथ उठाएंगे। हाँ, जो घर सिंदूक है ये तो छोड़े ही ना, सिंदूक है। जो घर की बातें सोच रहा है वो हाथ नहीं उठाएगा, जो बिल्कुल यहीं बैठा है और यहीं की बातें सोच रहा है। हमारे महेश भाई साहब जी के यहाँ बैठा है और यहीं की बातें सोच रहा है, क्योंकि ऐसी रात बार बार नहीं है। तो सब सोएगा, मेहरबान हो, दुनिया सो रही है, जीवन भर सोना है, लेकिन मेहरबान हो, ऐसा क्षण ऐसा पल कभी कभी आता है जब रिश्तेदार एकत्रित होते हैं, जब बहन बेटियां एकत्रित होती हैं, और आधी तो ऐसी सो रही होंगी जो हलवा खाकर तन पाम लंबे फैलाएगा, दो दो सौड़ लेके सो रही है आधी तो पीछे। तो बोली सच्चे दरबार की जय, दादी सती मैया की जय। अब जागरण में बैठ करके, दरबार में बैठ करके मेहरबानों तालियां जरूर बजानी चाहिए। ताली के बहुत फायदे हैं, दो फायदे तो इतने महत्वपूर्ण हैं जिन्हें डॉक्टर भी नहीं बताएगा। पहला फायदा, कोई मच्छर पास में ना आवे, और दूसरा फायदा, ताली बजाने से ब्लड प्रेशर की बीमारी जिसको होती है, एक महीना ताली का एक्सरसाइज करके देखो, वो बिल्कुल नॉर्मल आ जाती है, कम हो जाता है ना। इसलिए बजाओ ताली दादी सती मैया के लिए जोरदार। बोली सच्चे दरबार की जय। आइए, किस तरह से बता दिया, क्या बता बोला, गम हो हर जगह जगत में सम हो, तुम एक अनादि अगम हो हर जगह जगत में सम हो, सूरज में ज्योति तुम्हारी तुम ही रजनी की तम हो, सूरज में ज्योति तुम्हारी तुम ही रजनी की तम हो। रुक जाओ रुक जाओ, रिकॉर्ड ही तोड़ दिया आज तो। कह लिख, ये तो 2000 रह गए अभी, और न्यूली बकरे। बोली सच्चे दरबार की जय। मेरे बड़े भाई है जो बहुत प्रेम करते हैं मुझसे, वास्तव में परिवार से पूरे से, और जिन्होंने बहुत मदद की है मेरी पिताजी के जाने के बाद, बड़े भाई रविंदर जी, रविंदर नागर जी, जिन्होंने 100 रुपए का पुरस्कार दिया, 2000 रुपए और लेके जाऊंगा मैं सुबह को, चिंता मत करें। बोली सच्चे दरबार की जय। तुम एक अनादि अगम हो हर जगह जगत में सम हो, तुम एक अनादि अगम हो हर जगह जगत में सम हो, ओ सूरज में ज्योति तुम्हारी तुम ही रजनी की तम हो, सूरज में ज्योति तुम्हारी तुम ही रजनी की तम हो, ओ तुम राम अवधवासी हो श्री कृष्ण अविनाशी हो, तुम राम अवधवासी हो श्री कृष्ण अविनाशी हो, ओ गुरु गौरी गिरा गजानन शिव शंकर कैलासी हो। आ जाओ जरा जल्दी से, आ जाओ जरा जल्दी से बजा दो प्रेम का बाजा, आ जाओ मेरा पार लगा जाओ। हानि बढ़ चले असुर अभिमानी, जब हुई धर्म की हानि, क्यों जाते हैं दादी के दरबार में, क्यों जाते हैं? ऐसा सुना है कि एक आग के अंधे ने दादी माँ को आंखें भेंट करी है, भैया है ना ऐसी है? दादी मैया के, दादी शक्ति के दरबार में आंख भेंट करी चांदी की, हाँ ऐसा सुनने में आता है, चांदी की आंखें भेंट करी, वो मेहरबान हो जो निपट अंधा था उसको दिखाई देने लगा। क्यों जाते हैं? क्योंकि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते। जब जब इस संसार में धर्म का नाश होता है तब तब ऐसी महापुरुष हस्तियां जन्म लेकर के आती हैं जो हम जैसे भक्तों को, हम जैसे पापियों को कृतार्थ करने का दावा करती हैं, और करती हैं मेहरबानों।
द्वापर में त्रेता में सतयुग में हजारों हजारों सालों तक तपस्या करनी पड़ती थी तब कहीं जाकर भगवान मिला करते थे। कलयुग को सब बुरा बताते हैं लेकिन कलयुग जैसा कोई युग नहीं, क्योंकि चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे कोई बिजनेस कर रहे हैं, चाहे रोटियां बना रही हैं, चाहे झाड़ू बना रही हैं, झाड़ू मार रही हैं मेहरबानों, चाहे खेत में कोई भी काम है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर मर उतर ही पारा। एक बार सच्चे मन से कलयुग में उस दादी का नाम ले लो, अपने इष्ट देव का नाम ले लो, ये कलयुग का प्रभाव है कि भव सागर से पार उतरा जा सकता है। बोले दादी सती मैया की जय। जब हुई धर्म की हानि बढ़ चले असुर अभिमानी, जब हुई धर्म की हानि बढ़ चले असुर अभिमानी, सर पर संसार शर्म से धरती जय मान गिलानी, सर पर संसार शर्म से धरती जय मान गिलानी, वो तब तब अवतार लिया है दुष्टों को मार दिया है, वो तब तब अवतार लिया है दुष्टों को मार दिया है, वो धरती का भार उतारा भक्तों को पार किया है, हालत फिर वही पुरानी, हालत फिर वही पुरानी, बना दो यादों को ताजा, आ जाओ बेड़ा पार लगा जाओ। अधिकार दादी जी तेरा, सब कर्म गलत है मेरा अधिकार दादी जी तेरा, ओ संसार रचाने वाली मैं तेरा सहारा ले रहा, संसार रचाने वाली मैं तेरा सहारा ले रहा, ओ भगवान मैं हरण करेंगे कविता गुरु शरण करेंगे, भगवान मैं हरण करेंगे कविता गुरु शरण करेंगे, राकेश कहे जी हम तो उनका अनुसरण करेंगे, कविता का काम कठिन है रे, कविता का काम कठिन है, लगाया हमने अंदाजा आ जाए बेड़ा पार लगा जाओ। दादी सस्ती प्यारी सारी प्यारी, ओ दादी सस्ती प्यारी हमारे कष्ट में जा जा, आ जाए बेड़ा पार लगा जाओ। बोले दादी सती मैया की जय।